देश और दुनिया की हर खबर से जुड़े रहने के लिए वार्तालाप टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हर खबर आपके फोन पर। खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है। समाजवादी पार्टी के पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष व एमएलसी राजपाल यादव ने कहा कि बीजेपी की जन विश्वास यात्रा इसकी अंतिम यात्रा होगी। बीजेपी की इस बार ऐतिहासिक हार होगी। बीजेपी वेंटिलेटर पर है। राज्यपाल आजमगढ़ सपा कार्यालय पर मीडिया कर्मियों से रूबरू हुए थे। इस दौरान सपा के किसी नेता ने ना मास्क लगाया था और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की थी। हाईकोर्ट की कोरोना के चलते चुनाव टालने की अपील पर राज्यपाल ने कुछ भी कहने से इनकार किया। सपा के पिछड़ा अध्यक्ष ने निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी गुंडों की पार्टी है। बीजेपी को अपने सभी 5-स्टार कार्यालय पर छापेमारी करनी चाहिए। यह सरकार सबसे बड़ी डकैत है। चंद उद्योगपतियों के सहारे लोगों के जेब में रसोई में डाका डाल रही है। राम मंदिर ट्रस्ट से लेकर शमशान घाट तक को नहीं छोड़ा है। वहीं आरोप लगाए कि बीजेपी ने पिछड़ों का इस्तेमाल कर सरकार बना ली, फिर उनको छोड़ दिया। पूरे प्रदेश में एक भी राजभर निषाद कश्यप कहा डीएम नहीं है। आजमगढ़ जिले में ही सभी स्थानों पर एक ही जाति का वर्चस्व है। अरे बीजेपी अगर अपने दफ्तर पे भी छापा डलवाए जो 5-स्टार बनाए हैं, और बीजेपी डकैती डाल रही है, ये चंद उद्योगपतियों के माध्यम से पूरे देश में डकैती डाल रहे हैं। बताओ, जेब पे डकैती डाल रहे हैं, रसोई पे डकैती डाल रहे हैं। ये बीजेपी के लोगों को वो सोना मिला था, अफीम मिल रही है और पता नहीं क्या क्या मिल रहा है। कितना पैसा बीजेपी ने इकट्ठा कर रखा, भगवान राम के ट्रस्ट को नहीं छोड़ा। अरे ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, ये तो शमशान घाट में भी खा रहे हैं, शमशान घाट में भी खा रहे हैं। पता है वो नोएडा और गाजियाबाद में शमशान घाट में भी भ्रष्टाचार, इन्होंने तो कफन में भी भ्रष्टाचार किया है। ये भ्रष्टाचारी दुराचारी बलात्कारियों की सरकार है, गुंडों की सरकार है। इसकी गुंडे ही जनता ठीक करने का काम करेगी। आप कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट बहुमत से सरकार आ रही है, तो समाजवादी पार्टी इतनी अखिलेश यादव डरे क्यों हुए हैं? आए दिन गठबंधन कर रहे हैं, छोटे छोटे दलों छोटे छोटे इतने दलों का है कि अब तो गिनती नहीं बचे कितने दल। बीजेपी केंद्र से लेके और राज्य तक में 47 पार्टियों से गठबंधन कर ले, और जिन पार्टियों ने उनको गठबंधन में सरकार बनाने का काम किया, अब वो अगर हमारे साथ में खड़े हो जाएं तो हम गठबंधन करें। अरे प्रधानमंत्री से लेके अपने प्रदेश के सारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में उतार दिए। हम चैलेंज देते हैं, अमेरिका से भी नेताओं को बुला लें, लंदन से भी बुला लें, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनकी जमानत जब्त कराएगी कि इन्होंने जनता को दुख दर्द दिया है, लोगों की जेब पे डकैती डाली है, लोग बेरोजगार हुए हैं, लोग तड़प तड़प के ऑक्सीजन से मरे हैं। महा झूठों की सरकार है। सदन में पूछा गया था क्वेश्चन कि आप बताओ उत्तर प्रदेश में कितने लोगों की ऑक्सीजन से मौत हुई, तो योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया एक भी ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई। इनसे महा झूठों की सरकार क्या हो सकती। इनके मंत्री चिट्ठी लिखते रहे, इनके सांसद चिट्ठी लिखते रहे, ये महा झूठों की सरकार है, महा झूठों का गैंग है, भ्रष्टाचारियों का गैंग है। इनके गृह राज्य मंत्री का वीडियो सभी ने देखा होगा, शाहजहानपुर के गृह राज्य मंत्री थे चिन्मयानंद, उन पे क्या कार्रवाई हुई बताओ। इनके विधायक बलात्कार कर रहे हैं, पेट्रोल डाल के दलित और वाल्मीकि समाज की बहन को रात में जलवाने का काम किया था, इसलिए बताओ। ये आजमगढ़ में दलित और बैकवर्डों पे अन्याय हो रहा, देखना यहाँ 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी और बीजेपी की जमानत जब्त होगी। अरे बीजेपी वेंटिलेटर पे है, बीजेपी वेंटिलेटर पे है, ये बीजेपी वेंटिलेटर पे आ गई है, जनता ने ला दिया है। और बीजेपी वेंटिलेटर पे आ गई है, जनता ने ला दिया। अभी उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली है, वो बीजेपी की अंतिम यात्रा है। अरे माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहा है, बीजेपी में किसी नेता की लड़ने की हैसियत नहीं बची। अरे किसी नेता और सरकार की लड़ने की हैसियत नहीं बची है,
अब वो सीबीआई और इनकम टैक्स लगा रहे हैं, इनको भी जवाब तो देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। अरे योगी बाबा सबसे बड़े अनुपयोगी मुख्यमंत्री हैं, जो बच्चों तक को ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हैं, एक अस्पताल नहीं बना पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि कोर्ट की टिप्पणी पे हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। चुनाव होना चाहिए कि नहीं? हम न्यायालय की टिप्पणी पे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।